एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। और अभी आज दिवाली का दिन है और जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था तो आज के दिन हम आपको अपना होम टूर करने वाले हैं। सो होम टूर करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लिफ्ट एरिया है। हमने सोचा हम लिफ्ट एरिया से स्टार्ट करते हैं एंड अर्नब कवर कर रहा है। और अर्नब के पापा, जैसे आप में से काफ़ी लोगों को बताया कि वो ऑलरेडी इंडिया में हैं, और हमने इससे पहले एक ब्लॉग बनाया है जो कि अभी तक हमने पोस्ट नहीं किया, बट हमने सोचा पहले ये वाला पोस्ट करेंगे, बाद में हम दिवाली इवेंट का पोस्ट करेंगे विच वॉज एट ट्रफेलगर स्क्वायर। वो बहुत ही बड़ा इवेंट था, तो वो भी हम कवर किया है हमने, वो भी हम आपको शो करेंगे। बट अभी आप देखिए, ये हमारा लिफ्ट एरिया है और हम लिफ्ट से निकलते हैं। लिफ्ट से निकलते ही हम इधर गए और जाते ही आप देखिए तो ये आई ट्राई टू डू सम यू नो डेकोरेशन। और आप देखो, मैंने कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश की थी। ये हमने शुभ लाभ लिखा है और ये कुछ ऐसे गार्लैंड्स के लगाए। और यहाँ पे मेरे को सिर्फ रोज़ मिले, तो मैंने रोज़ से करने की कोशिश की। मैं जितनी बार यहाँ पे लाइन बनाती हूँ वो हवा आती है और सारा वो हो जाता है ऑल ओके। बस ये जो दो सर्कल से बने हैं वो बिल्कुल ठीक है। अन्ना फिर से ट्राई कर रहा है क्योंकि मैं उसी को बोलती हूँ कि इसको ठीक करो। बट मैं आपको शो करती हूँ कि देखिए कैसे है। इसके बाद हम जाते हैं अंदर और हम लोगों ने यहाँ से एंट्री किया। मैं आप सबको पहले ही बता देती हूँ कि बहुत बड़ा नहीं है, इट्स अ वन बेडरूम दैट वी हैव बिकॉज अभी अर्नब और मैं ही हैं यहाँ पे। सो अंदर एंटर करते ही सबको देखिए कितनी बड़ी विंडो दिख रही है और हमारा मंदिर भी दिखता है। बट अंदर एंटर करते ही मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारा यूटिलिटी रूम है। यहाँ पे बॉयलर है और यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन है। और अर्नब बहुत एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि इसमें हमारे ना फायर क्रैकर्स हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे लीगल है जो क्रैकर्स, हमने सिर्फ वही लिए। यहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब्स भी हैं। और ये साइड का एरिया मैं इसलिए कवर नहीं कर रही क्योंकि वो खाली एरिया है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे ऐसे कपड़े डंप करने होते हैं हम वो वहाँ हैंग कर देते हैं और कुछ फुटवेयर डाल देते हैं जब भी हमें जो शूज़ हमें नहीं पहनने होते या सॉरी जो शूज़ हमें बाहर पहनने होते वो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये यूटिलिटी रूम है बट अच्छा है कि क्लोज है, लाइक अ क्लोजेट। इसके बाद हम इधर टर्न करते हैं और ये है हमारा वॉशरूम एंड इसमें बाथ टब भी है। एंड आप देखिए, दैट्स हाउ इट लुक्स फ्रॉम यू नो आउटसाइड। और आई नो इज ट्राइंग टू गेन अटेंशन लाइक ऑलवेज। आप ये वॉश बेसिन, ये कुछ बाथ बॉम्ब्स हैं जो कि हम लाइव रखते थे क्योंकि अर्नब को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि वो उसमें टब में नहाएगा। एंड बट ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं 6 है एंड स्टिल वी हैव 4। ये कुछ डेली रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव एंड ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे बालकनी नहीं होती बट ये जो है दिस जस्ट यू नो हीटिंग रॉड आई वी कैन से। सो अगर आपके कपड़े कुछ गीले होते हैं तो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एक स्विच भी है, उसको ऑन करेंगे तो वो यहाँ पे सूख जाएगा। बट हम अभी ये यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में काफ़ी धूप आती है और हमारी वॉशिंग मशीन में जितने कपड़े ड्राई होते हैं उसके बाद हम लोग वहाँ से कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा एक यू नो मिरर है, फुल लेंथ मिरर है और हमें यहीं पे मतलब लाइट्स आती है। उससे पहले ऑफ कोर्स मैं ये कैसे भूल सकते हैं, तो ये दिस इज़ ऑल DIY थिंग जो कि अर्नब ने बनाई है। आपको मैं शो करती हूँ, हम दोनों ने मिलके बनाई है बट मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए ना बोथ द साइड्स वी हैव दिस एंड हमने इस रूम के लिए भी बनाई है। वो रूम हम बाद में कवर करेंगे बट मैं अर्नब को शो करती हूँ। फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने किचन एरिया में। आई एम सॉरी गाइज, आज क्योंकि दिवाली है तो कुछ यू नो खाना हम बना रहे थे बट अभी मैंने सोचा कि साथ में ही कर लेते हैं। तो अर्नब इज ट्राइंग टू टेक अ स्नीक पीक कि व्हाट वी हैव, बट दिवाली के लिए हम अलग दिखाएंगे। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि दिस इज़ यू नो व्हाट वी हैव। यहाँ पे ऑयल रखा है, ये छोटे मोटे यू नो चिली फ्लेक्स एंड कुछ
चटनी एंड ऑल व्हाट वी टेक, देन वी हैव घी, देन ये मैंने अभी नया जार लिया है, मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ मैं इसमें क्या रखूँ, कुकीज रखूँ, चॉकलेट्स रखूँ या क्या रखूँ। चॉकलेट्स हम ऐसे बहुत सारी नहीं लाते कि स्टोर करके रखें, क्योंकि वो बचती नहीं है। पीछे वी हैव गॉट ओट्स का बॉक्स, एंड देन वी हैव गॉट अर्नब के फेवरेट सीरियल, क्योंकि वो आजकल नहीं खाता है, उसे बड़ी शौक से लिए थे। एक हफ्ते खाए थे, हाँ, सो 1 वीक ही खाए थे अर्नब ने। उसके बाद ये हमारा इंडक्शन है, हॉट प्लेट है, सो हाँ ये ऑफकोर्स ये यू नो काइंड एन एक्सटेंशन है, मतलब प्लग है, आप इसको सॉरी नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली ये माइक्रोवेव की स्पेस है, बट जब हम आए थे इस अपार्टमेंट में तो यहाँ पे माइक्रोवेव रखा नहीं था, तो हमने अपना ऐसे ही अरेंज कर लिया। और अभी हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर वी हैव गॉट ड्रॉअर्स, एंड यहाँ पे हमने छोटा मोटा अपना सामान रखा हुआ है। ये हमारी यू नो चिमनी है, यहाँ से इसकी लाइट ऑन होती है, ये इसका ऑन कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। देन वी हैव गॉट सम स्टोरेज, कुछ यू नो कर रखा है, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू शो दैट, बट हाँ ऑफकोर्स अर्नब दिखा रहा है। नीचे ये स्पेस खाली है, बट मैंने ये क्या किया है कि दिस इज अवन की ट्रे, ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि जब भी मुझे कुछ डिशेस करनी होती है मैं उसके बाद यहाँ रख देती हूँ। दो वी हैव गॉट अ डिश वॉशर एज वेल, बट दो लोगों के लिए डिश वॉशर मुझे लगता नहीं है कि इस दैट कॉस्ट इफेक्टिव, और वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आधा एक घंटा उसमें चलाओ। तो मैंने ये डिश वॉशर को ना सिर्फ ऐसे स्टोरेज के लिए रखा हुआ है, दैट्स हाउ आई यूज इट। वी हैव गॉट दिस अवन एज वेल, ये अवन है हमारा जो कि कभी कभी यूज़ होता है, हमेशा नहीं होता, हाँ यूज़ होता है, कल हुआ था हमने, ऑफकोर्स गार्लिक ब्रेड बनाई थी। ये हमारे छोटा सा फ्रिज है, बट ऑफकोर्स हमारा काम हो जाता है इस फ्रिज में। Moving towards, you know, ये this is all mess, but of course I'll show you, ये मैं छोटे मोटे जो मुझे डेली के मसाले चाहिए होते हैं तो मैंने वो ऐसे ही एक बॉक्स में अरेंज करके रख दिया, ताकि यू नो उठाने के लिए ईजिली आप यू कैन पिकअप, वरना एक के ऊपर स्टैक करने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो डेली एक रिक्वायरमेंट से हैं, डिश वॉशर मैंने शो कर दिया है। ये अगेन थोड़ा स्टोरेज है नीचे, दैट्स अ बिन एरिया, डोंट शो इट, दैट्स बिन। हाँ यहाँ पे ये सब कुछ कवर है, और ये अगेन स्टोरेज है। तो मेरे पास बहुत सारी यू नो दाल वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो मेरी बॉक्सेस में आ गई आ गई, जो नहीं आई वो मैंने सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। ट्राई टू ये मैं सॉल्ट, अगर किसी ने उस पर ध्यान दिया होगा तो सॉल्ट उसमें कम था, रीज़न बीइंग कि मुझे इसमें वाइट सॉल्ट सॉल्ट ख़त्म होने का, आई एम गोइंग टू पुट द पिंक सॉल्ट इन दैट, we are trying to switch to the pink salt that we then we have you know of course flour and all. उसके बाद हम गए इस साइड, दैट्स आर लिविंग रूम, ये आप देख सकते हैं सोफा है, एंड ये एक सीट है थोड़ी सी, वी हैव दैट स्पेस ओवर देयर। ये जो दो लोगों की डाइनिंग वो है, एक्चुअली इसकी ये स्पेस नहीं है, बट ये हमने आज ये यहाँ पे इसलिए कर रखा है क्योंकि कल हम आज हम दिवाली पूजन करने वाले हैं। और ये कैबिनेट है, यहाँ पे आइडली टीवी होना चाहिए था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत ही यू नो हैंड स्केच है, ये अर्नव और अर्नव का फ्रेंड है, और ये उसने ड्रॉ किया है, उसका नाम कुशागर है, और अर्नव का बेस्ट फ्रेंड है फ्रॉम इंडिया। सो दिस वॉज मोर लाइक अ फेयरवेल गिफ्ट विच ही गेव हिम, और बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल था, और अर्नब के बहुत ही क्लोज है, तो ये हमने यहाँ पे फ्रेम करवा के यहाँ रख लिया है। ये हमारा डेली अगेन छोटा मोटा नमकीन एंड ऑल खाने का, जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोवेव की स्पेस वहाँ पे है, बट हम ये यहाँ रखा हुआ था, एंड ये कंफर्टेबल है क्योंकि हमने यहाँ पे टीवी रखा नहीं हुआ है। देन वी हैव डेली रिक्वायरमेंट्स, जो छोटा मोटा है हमने यहाँ रखा है, मेडिसिन एंड ऑल। यहाँ पे मेरा लैपटॉप एंड कुछ स्टेशनरी रखा है। ये थोड़ा सा मेस इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारी टी लाइट कैंडल्स खरीदी है, कुछ फ्रेगनेंस वाली कुछ विदाउट फ्रेगनेंस, और ये हम आज शाम को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए सब कुछ बाहर रखा है और थोड़ा सा मेस में रखा है। फिर दिस इज़ यू नो हीटिंग एरिया, हीटिंग यू नो रॉड हीटर है ये, बट अगेन अभी हमने यूज़ नहीं किया है इसको क्योंकि रिक्वायरमेंट है। छोटी सी मैंने रंगोली बनाई क्योंकि मुझे सिर्फ यू नो रोज़ मिले थे, तो मैंने रोज़ पेटल्स से बनाने की कोशिश की। यहाँ पे हम शाम को अपना मंदिर बनाएंगे और दिवाली का हम अलग से कवर करेंगे।
ओके सो ये देखिए, ये बाहर का व्यू है और यहाँ से वो एक पार्किंग दिखती है हमारे यहाँ से, एंड वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं। यहाँ आप जाएं, अगर आप, ये आपको कुछ कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है, तो दैट ऑरेंज इज़ यहाँ का एक इकलौता VHP विश्व हिंदू परिषद टेम्पल है। दैट इज़ द ओनली टेम्पल वी हैव हियर और वो हमारे घर के बहुत पास में है। मूविंग टू द अदर साइड, वो कुछ ग्रीन दिख रही हैं आपको विंडोज़, सो वो यहाँ की मस्जिद है। अगेन फ्राइडे को यहाँ पे बहुत वो लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये टेम्पल है ऑरेंज गेट्स वाले, और रोड की द अदर साइड ऑफ द रोड वी हैव गॉट दैट टेम्पल। फिर ये सारे घर एक ही उसमें है, क्योंकि यहाँ पे एज़ पर रूल आप अपने घर को चेंज नहीं कर सकते। घर के आउटर को, आपके घर का आउटर सिमिलर होना चाहिए सो दैट दे ऑल लुक ब्यूटीफुल। तो अगर आप देखोगे, कुछ डिटैच्ड हाउसेस आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं दीज आर बंगलोज, एंड देन पीछे उसके जो है वो दोज आर डिटैच्ड हाउसेस। देन हम लोग सिटी में रहते हैं तो ऑफकोर्स आपको खूब भरा 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 दिखेगा। तो यहाँ से भी, हाँ यहाँ से भी एक वो है, यू नो आपको दिखाते हैं, ये भी एक एरिया मेन, नीचे सर्कल है, ठीक है, ये हमारे बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे का सर्कल है। दैट साइड इज अगेन, वहाँ पे हमें काफ़ी इंडियन ग्रोसरी वगैरह मिलती है, हम लोग वहाँ भी काफ़ी जाते हैं। सो अगेन ये एरिया है, यस ओवरऑल इतना ही है हमारे पास। हाँ एयरपोर्ट भी है, विंड मिल भी दिखती है यहाँ पे, और सबसे ब्यूटीफुल मैं आपको दिखाऊंगी जो लगता है यहाँ पे, वो ये देखिए आप यहाँ पे क्लाउड्स। आप डोंट यू थिंक दीज लुक लाइक दैट समवन हैज एक्चुअली ड्रॉन और पेंटेड? सो ये थोड़े पेंट किए हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जब मुझे बिल्कुल लोनली फील होता है, यस हाँ। और ये लाइट्स हम लोगों ने दिवाली पे, ये अर्णव ने लगाई है दिवाली पे लाइट्स, सो ये अभी ऑन नहीं होंगे, हम शाम को दिखाएंगे। शाम को यहाँ से व्यू बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इनफैक्ट पूरा दिन ही यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस टू, यस अर्णव, और यस हमने दिवाली की एक अलग से कवर करनी है वीडियो, वो वाली होगी वो आपको अगले के अगले। ओके सो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्लेस, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ जब भी मैं थोड़ा बहुत लोनली फील करती हूँ, और फिर मैं बाहर देखती रहती हूँ और बाहर लोगों को आना जाना एंड ऑल दैट देख के फिर आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ये थोड़े से मेरे रोज पेटल्स कम पड़ गए थे, तो जो थे उससे मैंने ये ओम बनाया है। मेरा आइडिया तो था कि मैं पूरा इसे कवर करूँगी, बट अगेन हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे कवर किया है पूरा, आप देखिए दैट्स व्हाट वी हैव कवर्ड। हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट, तो ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने कवर किया, ये इट्स अ स्मॉल टेबल, और ये मैंने जो कवर किया है, ये एक मेरा बहुत ब्यूटीफुल दुपट्टा है, जो कि मेरे एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे चंडीगढ़ से, वो लेके आई थी, एंड ये भी मेरे काफ़ी यू नो क्लोज टू माई हार्ट है। अगेन ये मैंने रोज़ पेटल से बस यही डेकोरेट किया, ये हमने दो रोजेस, प्लीज़ पुट देम बैक, ये हमने रखे हैं रोजेस उसके लिए पूजा के लिए। सो और ये हमारा स्टिकर है, और उसके बाद अब चलते हैं, इसके बाद हम हमारे बेडरूम की तरफ। सो ये हमारा बेडरूम है, अगेन ये यहाँ से एंटर किया, ये टीवी है, हमने अपनी बॉटल रखी हुई है, ये हमारा टीवी है। गाइस हमने टीवी की अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई थी, पर पता नहीं हमने बनाया भी था पर दिखाई नहीं। हाँ पर हमने सोचा किसी उसमें कवर करेंगे, पर हमने कवर नहीं किया। ये हमारी चेस्ट ऑन है, इसमें हमने कुछ कुछ रखा हुआ है सामान, ठीक है, मनो प्लीज डोंट शो दैट्स ऑल मेस। और ये मंदिर है, सो शायद आप में से कुछ लोग, हाँ सो आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, और बेडरूम में मंदिर क्यों है। सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यस बेडरूम में एज पर वास्तु मंदिर नहीं होना चाहिए, हम भी नहीं रखते हैं। बट ऑनेस्टली बताऊँ, यू नो जब हम इस घर में आए तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन देखी एज पर डायरेक्शन यही था, फिर हमने काफ़ी चेक किया तो पता लगा कि अगर आप मंदिर में रखें एंड इफ़ यू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस काइंड ऑफ, तो आप मंदिर रख सकते हैं। तो हम लोग वही फॉलो करते हैं, हमारा दो ही हमारा बेडरूम है, बट स्टिल हम इस बेडरूम में कुछ भी, अगर कभी भी कुछ नॉनवेज या कुछ अगर खाने का हो तो हम कभी भी नहीं खाते हैं। हम यहाँ पे ऑब्वियसली अपने शूज़ और वो तो लेके नहीं आते, बिकॉज दिस इज़ ऑल कारपेटेड, आप देख सकते हैं, तो हम फॉलो करते हैं। बट हाँ सून मेरे को लिविंग रूम में भी एक हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे, वो भी कुछ मैच कर रही है मंदिर से रिलेटेड, तो वेरी सून वी माइट मूव टेम्पल
टू दैट मैं दिवाली का वेट कर रही थी, मैं दिवाली से पहले नहीं वो करना चाहती थी। और ये अगेन ये एक और हीटर है इस रूम के लिए, हीटर के लिए, ये अर्नव वहाँ शो करने के लिए इसलिए बोल रहा है। अगेन ये देखिए दो बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं हमारी, हम रात को अगर आधी, यूजुअली हम ब्लाइंड्स को ऊपर ही रखते हैं, और आधी रात को जब हमारी कभी नींद खुलती है एंड देन वेन वी लुक आउटसाइड सब लाइट्स ही लाइट्स होती है, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मॉर्निंग में 5-6 o'clock जब यू नो सनराइज होने वाला होता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और गाइस फिर जब मैं यहाँ पे सो रहा होता हूँ और जब कभी कभी छुट्टी होती है तो 9 o'clock के आसपास मेरे मुंह पे इतनी तेज वो आती है ना सनलाइट, सनलाइट आती है तो सर ना बोलता है ब्लाइंड्स नीचे करो मम्मा, सो दैट्स व्हेन आई यू नो पुट देम डाउन। सो या ये है, और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे ये हमारा बेड है। ऑलराइट गाइस, सो उसके बाद हम मूविंग टुवर्ड्स आवर वार्डरोब्स, तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ हैंग कर रखा है। यहाँ एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, बड़े बड़े वार्डरोब्स हैं बट अगेन दे डू नॉट, दे हैव अ स्टोरेज स्पेस बट दे डोंट हैव शेल्फ लाइक इंडिया। सो वॉट वी हैव डन इज मैंने ऐसे छोटे छोटे बैग्स में अरेंज कर रखे हैं अपने क्लोथ्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने सारे क्लोथ्स टॉप एक बैग में कर रखा होगा और बॉटम्स एक में कर रखे होंगे। सो व्हाट एवर आई नीड टू डू आई विल जस्ट पुल दैट बैग आउट एंड देन दैट्स हाउ आई विल डू इट। यहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स ये अर्नव का, अर्नव का भी मैंने एग्जैक्टली ऐसे करके रखा हुआ है, ऊपर थोड़ा स्टैक करके रखा है, कुछ हम लोगों ने हैंग करके रखा हुआ है। एंड यस सो क्या ये हमारा घर है, और अभी इसके बाद बस इतना छोटा सा ही घर है हमारा। और अब मैं आपको अर्णव की तरफ करूँगी, मीनवाइल अर्णव लंच कर रहा था। सो गाइस आज फिर बस इतना ही, आज हमने पूरा होम टूर करा है और इसमें हमने आपको हमारा पूरा घर दिखाया। सो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने दिवाली में क्या क्या करा है, पूजा करी है और भी जो फन फायर क्रैकर्स जलाए हैं, और तो उन सब का दिखाएंगे हम। सो आज का वीडियो बस इतना ही, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमें फीडबैक भी देना, और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब भी करना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।